आज कंपैरिजन होने वाला है डिमेंसिटी 1080 वर्सेस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं रिव्यू में, यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रिव्यू से। तो सीपीयू एंड गेमिंग परफॉर्मेंस में, सीपीयू परफॉर्मेंस की बात करें तो डिमेंसिटी का स्कोर 53 आता है, स्नैपड्रैगन का 37। एंड गेमिंग की बात की जाए तो यहाँ पे डिमेंसिटी का स्कोर 39 आता है, स्नैपड्रैगन का 28 स्कोर देखने को मिलेगा। लास्ट में प्रोस एंड कॉन्स की बात करूंगा तो पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोसेसर विनर है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे अगले रिव्यू में जहाँ बैटरी लाइफ की बात करें तो डिमेंसिटी का स्कोर 84 में, स्नैपड्रैगन का स्कोर 74 आता है। ये फैब्रिकेशन पे डिपेंड करता है, तो फैब्रिकेशन मैं आगे बताने वाला हूँ। अंतुतु की बात करें तो डिमेंसिटी 4,97,437 है, स्नैपड्रैगन का जो स्कोर है वो 3,49,671 देखने को मिलता है। एंड गीकबेंच की बात करें तो सिंगल कोर में यहाँ पे डिमेंसिटी का स्कोर 870 है, स्नैपड्रैगन का 570 देखने को मिलेगा। एंड मल्टी कोर की बात करें तो डिमेंसिटी का स्कोर 2,295 एंड स्नैपड्रैगन का 1,796 स्कोर देखने को मिल जाएगा। एंड अब बात करें 3D मार्क की तो डिमेंसिटी का स्कोर अभी तक नहीं आया, स्नैपड्रैगन का 1,116 देखने को मिल जाता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक रूम, मैं हूं गौरव। वीडियो पसंद अभी तक आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। एंड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अनाउंस डेट के साथ। तो डिमेंसिटी अक्टूबर 2022 में अनाउंस होता है, स्नैपड्रैगन जो अगस्त 2020 में। क्लास की बात करें तो दोनों ही मिड रेंज में आ जाते हैं। मॉडल नंबर की बात करें, स्नैपड्रैगन का मॉडल नंबर है SM7150AC। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी है। यहाँ पे आपका आकर्षक की बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर हैं वो ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं। डिमेंसिटी में 2 कोर 2.6 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक कॉर्टेक्स A78 एंड 6 कोर 2.0 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक कॉर्टेक्स A55 देखने को मिलेंगे। स्नैपड्रैगन की बात की जाए तो यहाँ पे 2 कोर 2.3 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक क्रैप 420 गोल्ड कॉर्टेक्स A76 एंड 6 कोर 1.8 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक क्रैप 470 सिल्वर कॉर्टेक्स A55 देखने को मिल जाएंगे। मतलब यहाँ पे परफॉर्मेंस वाइज तो डिमेंसिटी एक बेटर देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे जो कॉर्टेक्स A78 है वो बेटर है कॉर्टेक्स A76 से। नेक्स्ट यहाँ पे मैक्सिमम क्लॉक की बात करें तो डिमेंसिटी 2600 मेगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक देखने को मिलता है, स्नैपड्रैगन 2300 मेगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक देखने को मिल जाता है। एंड फैब्रिकेशन की बात करें तो फैब्रिकेशन यहाँ पे डिमेंसिटी का 6 नैनोमीटर पे हुआ है, स्नैपड्रैगन का 8 नैनोमीटर पे हुआ है। तो डिमेंसिटी आपको बेटर रहेगा बैटरी के लिए, एंड यहाँ पे परफॉर्मेंस भी डिमेंसिटी की बेटर है। जीपीयू की बात कर लें तो जीपीयू में यहाँ पे डिमेंसिटी का सपोर्ट है माली G68MC4, इसका आर्किटेक्चर वॉलहॉल 2 है, स्नैपड्रैगन के पास एडनो 600 का आर्किटेक्चर एडनो 600 है। एंड फ्रीक्वेंसी क्लॉक की बात करें तो डिमेंसिटी जो है 700 मेगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक है, स्नैपड्रैगन 810 मेगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके फ्लोटिंग पॉइंट्स की। तो फ्लोटिंग पॉइंट्स यहाँ पे डिमेंसिटी का आप समझ के चलिए 800 टू 1000 तक आ सकता है, क्योंकि स्नैपड्रैगन का जो है 435 आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें गेमिंग की। गेमिंग ग्राफिक्स सपोर्ट में यहाँ पे डिमेंसिटी जो है रियलमी 10 प्रो प्लस पे लिया गया है इसका डेटा, एंड यहाँ पे जो स्नैपड्रैगन का डेटा है वो पोको X3 से लिया गया है। पब्जी वर्ल्ड की बात करें तो मैक्सिमम फ्रेम रेट दोनों में 40-40 देखने को मिलेगा। एंड ग्राफिक सपोर्ट में यहाँ पे बात करें तो डिमेंसिटी HDR अल्ट्रा का सपोर्ट कर लेगा, और स्नैपड्रैगन HDR के साथ पीछे रह जाएगा। एंड गेमिंग में सीडी मॉल की बात करें तो यहाँ पे दोनों में 40-40 का मैक्सिमम सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन ग्राफिक सपोर्ट में यहाँ पे डिमेंसिटी मीडियम हाई का सपोर्ट करेगा, जबकि यह डिमेंसिटी का यहाँ पे कम से कम वेरी हाई के साथ हाई करना चाहिए था, लेकिन स्नैपड्रैगन इसमें बेटर पड़ जाएगा, जो कि वेरी हाई के साथ वेरी हाई गेम ग्राफिक सपोर्ट कर लेता है। मेमोरी की बात की जाए तो मेमोरी में यहाँ पे आपको रैम एंड रोम देखने को मिलेगा, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा फैक्टर के लिए परफॉर्मेंस वाले। तो यहाँ पे डिमेंसिटी जो LPDDR5 रैम को सपोर्ट करता है, इसकी रैम फ्रिक्वेंसी 3200 मेगाहर्ट्ज़ की होगी। स्नैपड्रैगन LPDDR4X रैम को सपोर्ट करता है, इसकी रैम फ्रिक्वेंसी 1866 मेगाहर्ट्ज़ की होगी। स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज यहाँ पे डिमेंसिटी में मैक्सिमम UFS 3.1 का सपोर्ट मिलेगा, स्नैपड्रैगन में मैक्सिमम UFS 2.1 का सपोर्ट मिल जाएगा। वीडियो कैप्चर एंड वीडियो प्लेबैक की बात करें तो वीडियो कैप्चर एंड वीडियो प्लेबैक में दोनों ही प्रोसेसर जो है सेम होंगे, 4K 30fps का वीडियो कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन प्लेबैक में स्नैपड्रैगन बेटर होगा, जो कि 4K 60fps का सपोर्ट कर सकता है। एंड डिस्प्ले सपोर्ट में स्नैपड्रैगन बेटर देखने को मिलेगा, इसकी सपोर्ट जो है 3316 to 1440 pixels है, डिमेंसिटी का 2520 to 1080 pixels। अब बात करें कनेक्टिविटी, तो कनेक्टिविटी डिमेंसिटी बेटर होगा, जो कि 5G सपोर्ट के साथ आता है, स्नैपड्रैगन 4G प्रोसेसर है। एंड 4G में डिमेंसिटी के पास LTCAT 18, स्नैपड्रैगन के पास LTCAT 15। ब्लूटूथ की बात करें तो डिमेंसिटी बेटर प्रोसेसर है 5.2 के साथ, स्नैपड्रैगन ब्लूटूथ 5.1 के साथ है। तो विनर की बात करें तो क्लियर विनर यहाँ पर डिमेंसिटी है, क्योंकि इसमें आपको रैम बेटर मिल जाएगी, परफॉर्मेंस में इसका कॉर्टेक्स बेटर है एंड ब्लूटूथ इसका बेटर है, कनेक्टिविटी वाइज भी ये बेटर है। लेकिन स्नैपड्रैगन की बात करें तो स्नैपड्रैगन में 2-3 प्रोस भी हैं, तो स्नैपड्रैगन में आपको ये गेमिंग बेटर मिल जाएगी, उसके बाद यहाँ पे आपको जो प्लेबैक है वीडियो का वो बेटर मिल जाएगा, एंड जो आपको स्नैपड्रैगन में ऑप्टिमाइजेशन है वो बेटर मिल जाएंगे।
तो आपको इन दोनों प्रोसेसर में से कौन सा प्रोसेसर पसंद आया कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।